हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 20वीं सदी में साइंटिस्ट ने अपने क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में इतनी तरक्की की है कि वो किसी भी जानवर का हूबहू क्लोन यानी हमशक्ल बना सकते हैं, और उसके बाद इंसानों की भी हमशक्ल बनाने की कोशिश जारी थी। लेकिन लोगों ने इसका काफी विरोध किया और बाद में कोर्ट ने भी इंसानों के हमशक्ल बनाने में रोक लगा दी। लेकिन जानवरों के हमशक्ल बना के उन्हें बेचे भी जाते थे और काफी इलीगल तरीके से लोगों के क्लोन बनाने का काम चल रहा था। अब इसी दरमियान हम एक रब्बी का मैच देखते हैं जहाँ पे जॉनी नाम के स्टार प्लेयर को बहुत ही बड़ी इंजरी आ जाती है और मैच को रोकते हुए उसे अब हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लेकिन एम्बुलेंस में उसी के टीम का जो आदमी था वो अपने सीनियर को कॉल करके कहता है जॉन को काफी सीरियस चोट आई है और अभी वो मैच नहीं खेल सकता। तो बॉस कहता है कि ठीक है, तुम इसे मार डालो, फिर हम इसका हमशक्ल बनाएंगे। अब इसके कारण वो आदमी उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकालता है और जॉन हार्ट अटैक के कारण मारा जाता है। और अगले ही दिन रब्बी का मैच शुरू होता है जिसमें जॉनी का हमशक्ल खेलने लगता है, लेकिन ये बात लोगों से छुपाई जाती है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो पायलट होता है। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था। एक सुबह उसे माइकल यानी क्लोनिंग कंपनी का जो ओनर था उसे उसके प्लेन से रिमोट लोकेशन पे लेके जाना था। एडम के साथ उसका कलीग हैंग भी आ रहा था। फिर एडम हैंग को लेके माइकल के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पे इन दोनों को भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए उनका ब्लड टेस्ट और फिर आंखों के डिटेल्स दिए जाते हैं, और ये लोग माइकल के आने का वेट ही कर रहे थे। इसी दरमियान एडम को उसकी पत्नी नेटली का कॉल आता है जो बताती है कि उनका जो पेट डॉग था ओलिवियर वो मारा गया है, जिसके कारण उनकी बेटी क्लारा बहुत ही ज्यादा दुखी है। नेटली उसे कहती है कि जो क्लोनिंग स्टोर रहता है जहाँ पे अलग अलग जानवरों के क्लोन बनाए जाते हैं, वहाँ से उनके डॉग ओलिवियर का भी एक क्लोन यानी हमशक्ल बना के लेके आओ। एडम को ये हमशक्ल बनाने की चीज पसंद नहीं आती, इसीलिए वो मना करता है और वो हैंक को ही माइकल को लेके जाने के लिए कहता है और अपना काम छोड़ के क्लोनिंग शॉप में चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं हैंक बिलियनर माइकल को स्की ट्रिप के लिए लेके जाता है और लैंडिंग जब करने जाता है तब अचानक से माइकल पर हमला होता है और कोई आदमी माइकल और हैंक दोनों को भी शूट कर देता है। अब यहाँ पे एडम अपने दोस्त की मौत से अनजान क्लोन शॉप में आता है जहाँ पे उसे अलग अलग क्लोन यानी हमशक्ल दिखाए जाते हैं। लेकिन एडम इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ होने के कारण वो डॉग के बजाय एक रोबोटिक डॉल लेता है जो कि क्लारा को बहुत ज्यादा पसंद थी। अभी आज एडम का बर्थडे था इसीलिए वो डॉल लेकर जब घर आता है तब देखता है ओलिवियर उस डॉग का हमशक्ल ऑलरेडी घर पे मौजूद है और इसे देख के वो भौंक रहा है। इस बात से हैरान होकर वो घर आता है तब खिड़की से देखता है कि उसका एक हमशक्ल है घर के अंदर और उसकी पूरी फैमिली उसके दोस्त उसे एडम समझकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बच्ची के साथ वो खेल रहा है। ये देख के उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। वो घर के अंदर जाने ही वाला था लेकिन तभी उसी क्लोनिंग कंपनी के एजेंट मार्शल और टालिया वहां पे आते हैं। वो एडम को बताते हैं कि तुम्हारा हमशक्ल बनाया गया है, हाँ लॉ किसी ने तोड़ा हुआ है और हम ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे, तुम बस हमारे साथ आओ। लेकिन एडम उनकी बात ना मानते हुए घर के अंदर जाने निकलता है। तभी टालिया उसे शॉक देके बेहोश करती है। लेकिन तभी उसे होश आता है और वो टालिया को मारकर वो खुद के ही गैरेज में पड़ी हुई कार लेता है और वहां से भागता है। तभी टालिया को होश आता है, वो उसके कार में उसे मारने के लिए आती है। वो उसे गन पॉइंट पे रख रोकने की कोशिश करती है और वो टालिया को बेहोश करके गाड़ी में ही रखता है और वहां से भाग जाता है। पीछे से टालिया के बाकी के लोग इसका पीछा करते हुए इस पर फायरिंग कर रहे थे। टालिया को होश आने पर एडम उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो वो कहती है कि हमारी कंपनी यानी क्लोनिंग कंपनी ने तुम्हारा हमशक्ल बनाया था। तो अभी दो दो एडम है तो किसी एक को तो मारना ही पड़ेगा। आगे वो कुछ बोले तभी टालिया का ही आदमी एडम को मारने आता है और गलती से उसकी गोली टालिया को लगती है और वो मारी जाती है। लेकिन एडम उस आदमी को भी कार से कुचल देता है और आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम टालिया के बॉस को देखते हैं। वो अपने एक आदमी को ऑर्डर देके टालिया और जो आदमी मरा हुआ था विली उसके क्लोन बनाने के लिए कहता है। दूसरी जगह पे हम डॉक्टर वियर को देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर वियर ने ही क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की खोज की थी और वही सबके क्लोन बना रहे थे। वो एक कॉन्फ्रेंस में थे और तभी उनके पीछे से माइकल आ जाता है जो आज सुबह ही मारा गया था, लेकिन उसके शरीर पे कोई भी जख्म नहीं होती। इसी पार्टी में हम जॉनी को भी देखते हैं जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था रब्बी प्लेयर यानी इन सब के हमशक्ल बनाए गए थे। तो यहाँ पे दूसरी जगह एडम पुलिस स्टेशन चला जाता है और उन्हें सारी हकीकत बता देता है। लेकिन पुलिस उसे बताते हैं कि 2 घंटे पहले आपने ही खुद के कार चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस पर एडम भड़कते हुए कहता है कि वो मैं नहीं था, मेरा हमशक्ल था। अब उसकी ये सारी बेतुकी बातें सुनते हुए
हुए वहाँ पे अचानक से एक डिजिटल होलोग्राम आ जाता है जो कि एक वकील थी और एडम से पूछती है कि क्या आपको किसी वकील की जरूरत है। तो पुलिस हंसते हुए कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो खुद कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी कार चुराई है और कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं हमें। तभी वो वकील कहती है कि अच्छा, शायद ये केस साइकाइट्रिस्ट का है, यानी किसी मनोवैज्ञानिक का। और वहां से वो गायब होके वहां पे साइकाइट्रिस्ट आ जाते हैं। अब ये सब देख एडम पुलिस के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसी बर्ताव के कारण पुलिस उसे पागल करार देते हुए एक जगह पे बंद करते हैं। दूसरी जगह पे हम एक लैब में देखते हैं डॉक्टर वियर को, जो टालिया और विली का क्लोन बना रहे थे और वहीं पे रॉबर्ट भी था। जहाँ पे एक तरफ हम टालिया की लाश देखते हैं और दूसरी तरफ हम एक शरीर देखते हैं जो कि पूरी तरह टालिया के शरीर के अनुसार बदल रहा था, और उसी में टालिया के शरीर के DNA उसकी मेमोरी डाली जा रही थी। देखते ही देखते ये पूरा ट्रांसफर फिनिश हो जाता है और टालिया के हम शक्ल को होश आ जाता है, जो कि बिल्कुल टालिया की तरह ही दिख रही होती है, और उसे सारी चीजें याद आती है कि उसका काम क्या है। टालिया से उसका बॉस रॉबर्ट पूछता है कि तुमने मरने से पहले एडम को क्या बताया था। तो वो कहती है कि मैंने उसका हम शक्ल है ये बात बता दी थी। तभी उन्हें पता चल जाता है कि एडम अभी पुलिस स्टेशन में है और वहां उसे मारने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे एडम को एक कमरे में बंद करके रखा था, लेकिन तभी खिड़की से वो देखता है टालिया और उसके लोग आ रहे थे, यानी उसी को मारने के लिए आ रहे थे। इसलिए वो एक खिड़की तोड़ते हुए नीचे आता है, लेकिन नीचे उसे विली मिलता है, जिसे देख वो हैरान होता है क्योंकि उसे तो उसने कार से कुचल के मार दिया था। लेकिन वो विली को मार के वहां से भाग जाता है और वो सीधा अपने दोस्त हैंक के घर चला जाता है। यहाँ पे हम हैंक को देखते हैं, वो भी पूरी तरीके से ठीक ठाक था। अब वो हैंक को सारी चीजें बताता है, लेकिन हैंक उस पे भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो हैंक को लेके अपने घर चला जाता है और उसे अपने घर का हमशक्ल दिखाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी इस एक्स्ट्रा एडम को मार डालना है। और जब एडम का हमशक्ल गार्डन में आता है तब वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उस एडम में खुद की परछाई देख के वो उसे मार नहीं पाता। और तभी पीछे से एडम की बेटी क्लारा आ जाती है, जिसे देख वो गन छुपाता है और बिना कुछ कहे बेटी को वो उसके रूम में लेके जाके सुलाता है। अब ये दोनों वापस हैंक के अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ट्रिप नाम का आदमी आता है जो हैंक के ऊपर हमला कर उसे मार देता है। ये देख एडम उस आदमी को बहुत मारता है और उसे पूछता कि तुमने हैंक को क्यों मारा। तो वो आदमी कहता है, मैंने जिसे मारा वो तुम्हारा दोस्त हैंक नहीं था, ये हैंक का हम शक्ल था। तुम्हारा दोस्त आज दोपहर को ही माइकल के साथ मारा गया था और उसे मैंने ही मारा था। अब ये इतनी बड़ी बात सुन के वो कहता है कि नहीं, अगर माइकल जैसा बिलियनर मारा जाता तो अभी तक पूरी दुनिया में तहलका मच जाता। जिस पर ट्रिप कहता है, तुम कौन से दुनिया में रह रहे हो? माइकल एक बिलियनर, एक साइंटिस्ट है, उनके पास क्लोनिंग यानी हम शक्ल बनाने की मशीन है, और उसे मारने के बाद डॉक्टर वियर ने माइकल का, तुम्हारा और हैंक का हम शक्ल बना दिया था। आगे वो इंसान कहता है कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिन्हें माइकल और डॉक्टर वियर के इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला था, और इसीलिए हम तब से माइकल और उसके पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए, इसीलिए हम उन इंसानों को मार रहे हैं जो क्लोन है यानी हम शक्ल है। अब ये सारी बातचीत हो ही रही थी तभी टालिया और मार्शल वहां पे आते हैं। ये देख वो इंसान कहता है कि देखो, अगर मैं इनके हाथ लग गया तो इन्हें मेरे बाकी के लोगों के बारे में पता चलेगा, ये लोग किसी की भी मेमोरी स्कैन कर सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल मेरे सर पे मारो। लेकिन एडम उसे मारने के लिए तैयार नहीं होता। ये देख वो आदमी खुद उसकी गन लेके अपने ही सर पे गोली मारता है। अब वहां पे एडम के ऊपर फायरिंग होती है, लेकिन एडम टालिया और मार्शल इन दोनों को भी मारता है, और चालाकी से वो टालिया के हाथ पे फायर करता है जिसके कारण उसका अंगूठा अलग हो जाता है और वो अंगूठा एक बर्फ के बैग में रख के वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन हम डॉक्टर वियर को देखते हैं जिनकी पत्नी आखिरी समय में थी। वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम भी मेरे लैब में चलो, वहां पे हम तुम्हारा हम शक्ल बनाएंगे, तुम्हारी सारी यादें वापस आ जाएंगी। लेकिन पत्नी मना करते हुए कहती है, आपकी जो ओरिजिनल पत्नी थी वो 5 साल पहले ही मारी गई है, मैं खुद उसका एक हम शक्ल हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में भी कुछ साल ही लिखे हुए थे, इसीलिए आज मैं मर रही हूँ। लेकिन मेरे बाद वापस मेरा हम शक्ल तैयार मत कीजिए, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस मरना है। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है डॉक्टर वियर की जो ओरिजिनल पत्नी थी, जो इंसान थी, वो 5 साल पहले ही मारी गई थी, और अब जो मर रही है वो उनकी एक हम शक्ल है, और कुछ समय के बाद उनकी पत्नी मर जाती है। अब ये सारी बातें सुन के डॉक्टर दुखी हो जाते हैं और वापस अपने लैब में आते हैं, और वो रिसर्च करने लगते हैं कि उनके पत्नी का जो हम शक्ल था उसे कौन सी बीमारी थी। और उन्हें पता चलता है कि उनके पत्नी को कैंसर था, और रिकॉर्ड चेक करते वक्त उन्हें पता चलता है कि सेम ऐसा ही कैंसर जॉनी, जो रग्बी प्लेयर था, उसके हम शक्ल को भी था, और जॉनी का हम शक्ल अभी 2 साल के बाद मरने वाला है। ये बात जानकर वो हैरान होते हैं। अब यहाँ पे एडम
एकदम अगले दिन इस लैब में आ जाता है और टालिया का अंगूठा लेके वो लैब का एक्सेस पाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं लेकिन वो उन्हें गन पॉइंट पे रखते हुए आगे बढ़ता है और आगे उसे डॉक्टर वियर मिलते हैं जिन्हें वो गुस्से में पूछता है कि तुमने ही मेरा क्लोन बनाया है क्यों। तो वो कहता है क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के खिलाफ काफी सारे संगठनाएं थी और उन्हें पता था कि माइकल डकर ये बिलियनर है, कभी ना कभी वो इंसानों का क्लोन बनाएगा ही, इसीलिए उन्होंने कई सालों से माइकल को मारना चाहा। और जो ओरिजिनल माइकल था यानी जो इंसान माइकल था वो काफी सालों पहले ही इन संगठनाओं द्वारा मारा गया है। आगे माइकल का ही प्लान था कि अगर वो किसी दिन मारा जाए तो उसका हमशक्ल बनाया जाए, इसीलिए हमने उसका हमशक्ल बनाया। लेकिन ये हमशक्ल वाली बात अगर पुलिस या कोर्ट को पता चल जाती तो माइकल की सारी कंपनी, सारे प्रॉपर्टी शेयर कानून के हवाले हो जाते हैं क्योंकि किसी भी हमशक्ल को प्रॉपर्टी रखना अलाउड नहीं है। वो आगे बताता है कि आज सुबह भी इसी संगठन में से एक इंसान ने माइकल और तुम्हारे दोस्त हैंक को भी मार डाला था। हमें लगा कि तुम भी उसमें को पायलट हो इसलिए तुम तीनों की भी हमशक्ल बनाए गए। एडम हैरान होता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे डीएनए या फिर सारी चीजों के बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है कि तुम जब यहां पे आए थे तब सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने तुम्हारा खून और तुम्हारे आंखों का स्कैन किया था। तो वो स्कैनिंग मशीन दरअसल आंखों के लिए नहीं है बल्कि वो तुम्हारे दिमाग की रिकॉर्डिंग थी जिसमें तुम्हारी यादें, तुम्हारे जज्बात रिकॉर्ड कर दिए गए थे और खून के वजह से हमें तुम्हारा डीएनए मिला और इसी से हमने तुम्हारा हमशक्ल बनाया है। और बाद में पता चला उस मिशन पे हैंग गया था तुम्हारे बदले में। अब असलियत में दो एडम्स थे जिसके कारण एक एडम माइकल के लिए खतरा बन गया था, इसीलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब कुछ जानने के बाद एडम माइकल के मरने के समय की उसकी जो मेमोरी डिस्क थी वो वहां से लेके जाने लगता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम एडम के हमशक्ल और उसकी फैमिली जो कि स्कूल में थी जहाँ पर एडम की पत्नी और बेटी को माइकल का आदमी किडनैप करके लेके जाता है और एडम का हमशक्ल उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता। अब एडम का हमशक्ल घर आता है लेकिन तभी वहां पे हम असली एडम को देखते हैं। दोनों भी एक दूसरे को देख हैरान होते हैं क्योंकि ये पहला एनकाउंटर था। अभी ओरिजिनल एडम उसके हमशक्ल को सारी कहानी बताता है और उसे बताता है कि तुम एक हमशक्ल हो जो मेरे फैमिली के साथ रह रहे हो, दरअसल वो मेरी फैमिली है और अभी वो लोग खतरे में हैं, इसलिए दोनों भी एक प्लान बनाते हैं कि फैमिली को कैसे बचाया जाए। तो दूसरी तरफ हम डॉक्टर वियर को देखते हैं जिन्होंने अब तक जितने भी क्लोन्स बनाए थे उन सारे का रिकॉर्ड वो चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है एडम और हैंक का क्लोन छोड़कर बाकी जितने भी क्लोन उन्होंने बनाए थे उनमें कैंसर की बीमारी जेनेटिकली एड करवा दी गई है, यानी उनकी पत्नी का हमशक्ल जो मारा गया वो उसे कैंसर के कारण मारा गया है और ये सारा किया कराया माइकल का था। वो माइकल के पास जाते हैं और इसकी सच्चाई पूछते हैं कि तुम सारे क्लोन्स को कैंसर क्यों दे रहे हो। तो माइकल उन्हें कहता है कि मैंने ये जानबूझ के किया कि अगर कल जाके कोई भी क्लोन बगावत करे तो उनका जीवन काल ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही रह सके, उसके बाद वो मारे जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारे कारण मेरी पत्नी वापस मारी गई है और गुस्से में वो जॉब छोड़ के वहां से जाने लगते हैं। लेकिन माइकल उन्हें शूट करता है। यह ओरिजिनल एडम एक हेलीकॉप्टर की मदद से जो ये हॉस्पिटल लैब की बिल्डिंग थी वहां पे लैंड करता है जिसकी भनक माइकल को लगती है और उसके लोग एडम को पकड़ के माइकल के पास लाते हैं जहां पे माइकल उसे डिस्क मांगता है। वो मना करता है जिसपे हंसते हुए माइकल उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि एडम का हमशक्ल वो दूसरा आदमी नहीं बल्कि तुम खुद हो और वो दूसरा आदमी जो है वो ही ओरिजिनल एडम है। अब ये सुनते ही एडम हैरान हो जाता है और माइकल से कहता है कि नहीं तुम झूठ कह रहे हो। तभी माइकल टालिया को पास बुला के उसकी आंख दिखाता है उसे। उसकी आंख में 4 तरह के डॉट्स थे, इसका मतलब ये था कि टालिया का हमशक्ल अभी तक 4 बार बनाया गया है। अब एडम को भी शक होने लगता है इसीलिए वो अपनी आंख देखता है कि आंख में भी एक डॉट था और हमें ऑडियंस को पता चलता है कि ये पूरी फिल्म में हमने जिसे ओरिजिनल एडम समझा था दरअसल वो ओरिजिनल एडम ना होके उसका हमशक्ल था और ओरिजिनल एडम वही था जिसको हमने अपने फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखा था, वो इंसान था और ये उसका हमशक्ल। फिर माइकल एडम के हमशक्ल को कहता है कि तुम मुझे डिस्क दे दो, हम हमारी सभ्यता यानी ये जितने भी हमशक्ल है वो सारे इकट्ठा होंगे और सरकार को कानून बदलने के लिए कहेंगे, हमें भी इंसानों की तरह रहना अलाउड होगा। लेकिन एडम नहीं मानता और उसे मारने जाता है, इसीलिए ये लोग जबरदस्ती एडम को पकड़ते हैं और उसका दिमाग स्कैन करने लगते हैं ताकि पता चले डिस्क कहाँ है। और जब उसकी मेमोरी स्कैन हो रही थी तभी उन्हें पता चलता है कि जो असली एडम था यानी दूसरा
दूसरा एडम जो था वो भी हेलीकॉप्टर के साथ इसके साथ ही आया हुआ था और वो दूसरी जगह पे अपने फैमिली को ढूंढ रहा है। ये देख के माइकल काफी भड़क जाता है और दूसरे माइकल को ढूंढने के लिए भेजता है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल माइकल को देखते हैं जो अपने फैमिली को ढूंढ लेता है और उन्हें यहाँ से लेके जाने के पहले बिल्डिंग के सारे लाइट्स बंद कर देता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटी को हेलीकॉप्टर से एक दूसरे सेफ जगह पे पहुंचाते हैं और वापस एडम जो कि अभी माइकल के साथ लड़ रहा है उसे बचाने के लिए लैब में आता है। यहाँ पे लाइट जाने के कारण एडम को मारने के लिए काफी फायरिंग होती है जिसकी एक गोली माइकल को ही लगती है और वो मरने वाला था, इसीलिए वो अपने क्लोन बनाने की प्रोसेस शुरू करता है। यहाँ पे एडम बचने के लिए क्लोनिंग की जो बॉडीज रखी हुई थी उसी मशीन में जाके छुपता है। टालिया ऊपर से उसे मारने के लिए आती है तो वो टालिया को ही टैंक में खींचता है और गोलीबारी के दौरान पूरा टैंक टूट जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जब माइकल की क्लोनिंग प्रोसेस चल रही थी तब माइकल भी मारा जाता है, लेकिन उसका क्लोन जो पूरी तरीके से तैयार नहीं था वो उठ जाता है और एडम को मारने के लिए आता है। यहाँ पे एडम एक एक करके सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देता है और बॉम्ब लगा के वहां से भागने लगता है। तब तक दूसरा एडम यानी जो ओरिजिनल एडम है वो भी वहां पे आ जाता है हेलीकॉप्टर से और अपने हम शक्ल को वहां से लेके जाता है। तब तक हम यहाँ पे देखते हैं पूरी लैब डिस्ट्रॉय होने के कारण सब कुछ तबाह हो जाता है जिसमें माइकल का हम शक्ल भी मारा जाता है, यानी इसके बाद कोई भी किसी का भी हम शक्ल नहीं बना सकता। कुछ समय के बाद हम एडम और उसके हम शक्ल को देखते हैं, दोनों ने भी ये बात सीक्रेट रखी थी। एडम का हम शक्ल अपने फैमिली से गुड बाय करता है और वो उसी की मदद से अब अर्जेंटीना शिफ्ट होने वाला था जहाँ पे वो खुद का बिजनेस और एक नई फैमिली शुरू करने वाला था। दोस्तों यहाँ पे एडम के हम शक्ल को जेनेटिकली कोई भी बीमारी नहीं थी, यानी उसे कैंसर नहीं था क्योंकि माइकल ने उसे एक इंसान की तरह बनाया था और माइकल को पता था कि एडम उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा, इसीलिए उसने उसे वो बीमारी नहीं दी थी। और इसी तरह ये मूवी खत्म होती है। आई होप आपको इसके ट्विस्ट पसंद आए होंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।